हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले एक और हेल्दी क्विक करी रेसिपी, तुरई मसाला फ्राई। उसके लिए मैंने आधा किलो तुरई लिए हैं। सबसे पहले हम लोग कॉर्नर कट करके चेक करेंगे कि ये कड़वा तो नहीं है। जनरली कुछ कुछ तुरई कड़वे निकलते हैं, इसलिए चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग उसके इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट करके रख लेंगे। अब ये कट हो गए हैं, मैंने लिया है उसके अलावा एक बारीक कटा प्याज है, फिर उसके बाद टमाटर और हाफ़ टी स्पून हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट एक स्पून है, हाफ स्पून गरम मसाला, हाफ स्पून मिर्च पाउडर, एक स्पून धनिया पाउडर, नमक, हरी मिर्च, तड़का लगाने के लिए जीरा, सरसों, हींग, उसके अलावा मैंने लिया है तेल। और मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है धनिया पत्ती, मूंगफली भुना हुआ है, गीला नारियल है और एक करिया पत्ती का स्ट्रिप है। अगर आपके पास गीला नारियल नहीं है तो आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं मूंगफली और नारियल को ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। फिर मैंने रखा एक पैन, पैन में जैसे ऑयल गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है जीरा, सरसों, फिर करिया पत्ती का स्ट्रिप। ये जैसे क्रैकल हो गया है उसके बाद मैंने इसमें डाला है बारीक कटा प्याज, बारीक कटा हरी मिर्च डाल के अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाला है हींग 1/4 टीस्पून। आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें डाला है टमाटर डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर हल्के से गल जाए। उसके बाद जैसे टमाटर थोड़े से मिक्स हो गए मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर से मैंने मिक्स कर लिया है। जैसे ये थोड़ा सा भुन गया है उसके बाद मैंने इसमें डाले सूखे मसाले, सबसे पहले हल्दी, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना क्योंकि इसमें हमने ग्रीन चिल्ली भी डाला है। अब मैंने इनको अच्छे से भून लिया है, उसके बाद इसमें बारीक कटा तुरई डाल रही हूँ। तुरई डाल के अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसको हम लोग ढक के मीडियम हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट तक पकने देंगे। ऐसे ढकने से तुरई जल्दी पक जाती है। अब मैंने ढक के मीडियम हाई फ्लेम पे 4 मिनट तक पकने दिया। 4 मिनट बाद तुरई ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब मैंने बीच में स्पेस बनाया, स्पेस बना के इसमें मूंगफली और नारियल का पेस्ट डाल रही हूँ जिसे हमने ग्राइंड करके रख लिया था। डाल के अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। इस तरीके से भुनने से इसका कच्चापन निकल जाता है। फिर उसके बाद सारे वेजिटेबल और मसाला एक साथ भून लेंगे। ये सब्जी जब पकती है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, घर पूरा महकता है इसकी खुशबू के साथ और टेस्ट तो बहुत अच्छा रहता ही है। अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। भून के अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक डालने से सब्जी जल्दी पक जाती है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मसाला भी काफ़ी अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी। मिक्सी के जार में मसाला लगा था उसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाल के इसमें डाल दिया है। उसके अलावा मैंने आधा ग्लास और पानी डाल दिया है। डाल के अब मैं इसको ढक के मीडियम हाई फ्लेम पे और 5 मिनट तक पकने रख दूंगी। 5 मिनट बाद सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी या तब तक पकाना आप जब तक कि तुरई अच्छे से गल नहीं जाती है। 5 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला डाल के अब मिक्स करके मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हरा धनिया। हरा धनिया डाल के मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। ये सब्ज़ी ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। हमारी बहुत ही टेस्टी तुरई की सब्ज़ी बनके रेडी है। आप इसे रोटी, चावल, पराठा किसी के भी साथ खाओ, सभी के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब आप भी ये टेस्टी तुरई की सब्ज़ी बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।